हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश। आप मुझे लैपटॉप रिपेयरिंग एवं लैपटॉप रिपेयरिंग की ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट एड्रेस है नेहरू प्लेस, हेमकुंड चैम्बर, 304 ए, थर्ड फ्लोर, न्यू दिल्ली, 110019। चलिए, आज मैं आपको एक केस स्टडी या एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा कि कैसे कन्फर्म करें, हाउ टू कन्फर्म दैट SMC इज़ अंडर प्रॉब्लम या SMC वर्क नहीं कर रही है या SMC ही रिप्लेस करने की ज़रूरत है। जैसे मेरे पास ये एप्पल एयर है 14, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी SMC से रिलेटेड ही आती है। इसको कैसे कन्फर्म करें कि आपकी SMC प्रॉब्लम में है, इस बात को समझने के लिए पहले देखिए SMC के लिए आप क्या करते हैं। पहले आप एडाप्टर लगाइए। एडाप्टर प्लगिंग किया हमने, 0., ये हमारा 0.024 का लोड ले रहा है और इस टाइम पे हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी पावर बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो DC इन यानी एडाप्टर इन का सप्लाई मिलेगी यहाँ पे। देखिए आपका जितना हम पावर डाल रहे हैं वो पावर मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे मिल 0.7। इसके बाद आपको पावर मिलनी चाहिए 3.42 की, जो कि यहाँ पे मिल रही है। इसके बाद ये है SMC रीसेट के, पिन नंबर 4 पे 2.7 वोल्ट मिलता है जो कि मिल रही है। पिन नंबर 5 पे 3.3 मिलना चाहिए जो कि मिल रही है। ठीक है, और इसके बाद जो आपकी चार्जिंग सप्लाई है ये 8.6 वोल्ट बनना चाहिए। अभी 8.1 बोल रहा है, 8.1 वोल्ट बनना और बाकी ये चीज़ें इस यहाँ पे 3.3 वोल्ट बनना, ये दोनों अभी इसकी सप्लाई SMC रीसेट साथ के साथ एक बार और देखें। यहाँ पे आपका एक रजिस्टर होता है ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी अगर 3.3 दोनों तरफ है तो इसका मतलब कि चीज़ें ओके, केवल SMC खराब है। इसमें क्या खराब है? SMC खराब है। यहाँ पे जब तक 8.6 नहीं बनेगा तब तक 5 आगे का सप्लाई नहीं बनेगी। अगर यहाँ 8.6 बन रहा है और 3. अभी अगर 8.1 यहाँ बन रहा है तो आपकी जो है 3 वोल्ट की पावर भी नहीं बनेगी। देखिए जैसे ये 3 वोल्ट की कॉयल होती है, यहाँ पे ये पावर भी नहीं बनेगी। ठीक है, सो इस बोर्ड में सबसे पहले हम क्या रिप्लेस करेंगे, SMC रिप्लेस करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है, SMC रिप्लेस करके हम आपको दिखाते हैं इस बोर्ड को ऑन करके। सो फ्रेंड्स, हमने SMC रिप्लेस कर ली है और उसके बाद की कंडीशन हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए सिचुएशन क्या बन रही है। ये हमने प्लग इन किया और हमारा लैपटॉप भी ऑन हो गया, लैपटॉप ऑन हो गया और जो पावर हम देख रहे थे कि 8.1 बन रही थी, देखिए ये 8.6 वोल्ट का प्रॉपर बनने लगे, है ना। यहाँ पे 8.6 वोल्ट बनने लगा और इस टाइम पे आपका इस समय तो पूरा बोर्ड ऑन है, तो यानी कि 3-5 सारी चीज़ें बन गई। ये 3 वोल्ट की कॉयल है और ये 5 वोल्ट की कॉयल है। सो यहाँ पे जब 8.6 बन जाता है तभी आपके आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, सो गाइज, आई होप कि आज आपको समझ में आया होगा कि एप्पल एयर 1466 में किस प्रकार से कंफर्म करें कि SMC IC खराब है। SMC IC खराब होने पे चार्जिंग कॉयल पे 8.1 वोल्ट बनता है, लेकिन उससे पहले SMC रीसेट की कंडीशन ओके होनी चाहिए। SMC रीसेट की कंडीशन पिन नंबर 5 पे 3.3 वोल्ट और साथ के साथ IO के पास SMC रीसेट के लिए एक जो रजिस्टर लगा हुआ है वहाँ पे भी प्रॉपर सप्लाई पहुँचनी चाहिए। अगर इतना होता है उसके बावजूद आपका यहाँ पे 8.6 वोल्ट नहीं बनती है तो इसका मतलब है आपका SMC खराब है। ठीक है, जिस समय 8.1 वोल्टेज बनता है उस समय अगर आप SMC निकाल भी देंगे तब भी उस चार्जिंग कॉयल पे 8.1 वोल्ट ही शो करेगा। यह भी ये इस बात का प्रमाण है कि आपका जो है SMC खराब होने की वजह से ऐसा हो रहा है। इस बोर्ड में हमने SMC क्या किया है, रिप्लेस किया और बोर्ड देखिए प्रॉपर वर्क ऑन हो गया और आई होप इसमें डिस्प्ले भी आ चुका होगा। देखिए डिस्प्ले भी आ रहा है। ओके, सो वंस अगेन गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।